हेलो जी, कैसे हो आप सब? तो स्वागत है आपका फिर से हमारे एक और नए व्लॉग में। और फ्रेंड, त्योहारों का सीजन शुरू हो गया है। आज है दशहरा, तो आप सभी को हैप्पी दशहरा। और आज मैं बना रही हूँ दशहरे पे पनीर। पनीर की शुरुआत करते हैं। इधर मैंने कढ़ाई चढ़ा ली है अभी। और लो जी, तो अपने पनीर की सब्जी इस तरह रेडी होगी। तड़का लगा दिया, प्याज ग्राइंड करके डाल दिए, उसके बाद टमाटर का नंबर, अब इसको पीस के और फिर ये भी डाल दिया। उसके बाद एक थोड़ी सी ट्रिक है, इसमें पहले मसाला डालते हैं, उसके बाद थोड़ा बेसन पानी में घोल के 2-3 चम्मच इसको डालते हैं ताकि ग्रेवी अच्छे से मिक्स हो जाए, पानी अलग ना हो। और अब ये पनीर डाल दिया है, उसके बाद थोड़ी सी मलाई भी डाल दी, अच्छा टेस्ट आया। और अब ये रोटी बन चुकी है, ये अपना तैयार है आज का लंच। और आज हमने रिंकू वाले स्टाइल में सब्जी बना के देखी है। बस बेसन घोल के बना डालना था ताकि वो ग्रेवी गाढ़ी गाढ़ी हो जाए, है ना? किसी बने दी थी? एक नंबर एक नंबर कदे कैमरा में बोलो। नाना सही बना दिया। अच्छा, अरे आशीष ने कहा होगा जिस दिन मेरा फास्ट हो ना उससे उसे दिला। दिन बनाया था। पिछली बार भी एक बार ऐसा होया था, अपन के बनाया था फास्ट वाला दिन कुछ बनाया था। हर बार छुट्टी वाले दिन शनिवार का आशीष फास्ट रखा है, उस दिन हम कुछ स्पेशल बनाना। अब तो सर अभी तो हाँ दशहरा का, हाँ तभी बन गया हमारा भी। खा लेते हैं हम, लेनी शेष हो रही है, शाम को देखेंगे अगर कोई प्रोग्राम बनेगा तो। सब सोसाइटी में पहुँच है गई, ग्रुप में आया था, चलो देख लेंगे। ऊपर चढ़ गए पूरे। और अब शाम का टाइम हो गया है, बच्चे पार्क में खेल रहे हैं और उधर दशहरे की तैयारियां शुरू हो रही हैं। भाई कुछ खाने का भी बन रहा है, पकौड़े वगैरह, और ये दशहरा का वो भी राउंड भी बना दिया। इसके वो 10 हार सर तक कौन बनाया? दीदी कहाँ गई? तो हम भी रेडी हो गए और फिर जाते हैं, देखते हैं क्या फंक्शन रहता है यहाँ पे। यहाँ निशा बैठी है, निशा खेल रही है अपने। और अब हम तैयार हो लिए थे, मैं और निशा चिपकते रहते हैं सारा दिन, मैं कहीं भी नहीं चले जाओ मेरे पीछे 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 पीछे। तो हम नीचे जाए दशहरा देखने के लिए तैयार हो लिए हैं। दीदी की आज थोड़ी तबीयत डाउन है, सर में दर्द जरूर था, बोले तुम ही जाओ और नीचे बन रहे ब्रेड पकौड़े, तो बोले कि मेरा भी ले आना। तो और हमसे मैं सबसे पहले तैयार हो ली क्योंकि पिछली बार क्या जन्माष्टमी वाले दिन हमारे हम लेट हो गए तो खीर खत्म हो गई थी। आज सबसे पहले पकौड़े खत्म अब के बार पकौड़े खत्म ना हो जाए हैं। और मौसी जी भी आज सर में दर्द है, लंबा सफर करके आई थी, घर गए हुए थे, तो मैंने तैयार करी है नीचे वाली आंटी, तो थोड़ी देर में हम जाएंगे नीचे। अरे इधर डुगलू डुगलू भी आज गिर गया भाई, अरे जाओ आंटी के पास। और मैं और आंटी सबसे पहले आ गए थे, कदे पकोड़े खत्म ना हो जाए आंटी। आंटी जी के जो बेटे हैं ना वो भी पूरे यहाँ पे अरेंजमेंट कर रहे हैं, तो वो जब भी बुला लेंगे हम चल जाएंगे क्या आंटी? और आप मेरे व्लॉग देखा करो, व्लॉग देखा करोगे? और क्या ना देखेंगे क्या नहीं? हेलो कर दो फिर। हेलो कहाँ से हो आंटी आप? कुलक्षेत्र ब्याह गई थी, सोने कुलक्षेत्र है पंजाब में, अपना पटियाला पतला टप के सोने के पास है। अच्छा कौन सा गा? फिर अब गुजरा। अच्छा मैं वहाँ ड्यूटी करके आई सतराना। सतराना? हाँ। सतराना तो फिर इधर पड़े है इसको नहीं पादा डर खनौरी के बीच में। हाँ, हाँ, आई भी चलो काफी। अरे आंटी के एक बेटे तो पंजाब में है ना? हाँ दो पंजाब में, एक है एक पटियाला साइड है, एक पटियाला एक मुड़को। अच्छा बेटे बेटे बढ़िया। अरे किया होगी भाई गुगलों के लाने का था ना? दिया तीन आ गया, दो बड़े का एक छोटे का। अच्छा लाया मैंने शुक्रवार को आज ही रहा दशहरा देख देख बच्चे। अच्छा
चले जाइए। सर आए थे? नहीं आएंगे। अच्छा अच्छा दिवाले इस पे जगराते पे। अच्छा अच्छा मैं क्या आना तो है चल आप आ जाते तो ये देखोगे। अच्छा शुक्रवार को ड्यूटी ला के ना शाम को आ जाएगा। शनिवार तो ड्यूटी हो उसकी। कह रही थी मुझे लोड पड़ेगी ना बिजली बोर्ड को अपने पास भी है पटियाले में तो ड्यूटी है पटियाले में तो काम हो ही चलो हम बातें बातें मार लें तब तक प्रोग्राम शुरू होगा। तब सो गया बना लो फिर तो शोर से ज्यादा हो जाएगा। चलो और ये सिंपल सा राउंड तैयार कर दिया है। इधर सारी भीड़ इकट्ठी हो गई है। और ये देख ले भाई भाभी के राज में ननद की पूरी सेवा हो रही है। चाय पकौड़े ले दिए हैं। वहां तो वैसे दो दो मिले थे मैं देख ले कितनी ले दिया। अब लास्ट में तो कह रहे थे ले जाओ बच गए थे उनके खाओ। फिर बोली निशा उन्हें नीचे छोड़ के आई हूँ। मौसी भी आ गई थी। बढ़िया है पकौड़े थे। अशु आज हमने पनीर की सब्जी बनाई तो क्या और पकोड़े। तुम्हारा काम ही यही है। कोई अलग काम तो है तुम्हारा। बूढ़े हो गए कल तड़के थोड़ा वजन और कम होना चाहिए ना। आओ जो पप्पू पापा कम क्या किया आजकल इंग्लिश सीख रही। दादू कम पापा कम दिखाओ इधर इधर दिखाओ रियांशी को पापा को प्यारी प्यारी कर दो। अरे ये सारे घूम फिर के आ गए इधर बैठे। मौसी भाई आज मौसी थोड़ी चपेट मारी है सर दर्द की है। क्यों करो है मौसी सर दर्द है? कल कल सुबह 4 बजे के चले और रात न पहुंचे 11 बजे। तो बढ़िया मेरे बोलनी चाहिए न बढ़िया बोला मौसी एकदम। मौसी क्या पढ़ रहे हो आप? 12 करने देख रहे पहले प्लस टू को नहीं बोला करते बारहवीं में बोला करते बारहवीं 13वीं नहीं बोला करते मौसी। प्लस टू
प्लस टू बार में नहीं तो बोला नहीं तो पता है फिर प्लस टू बाद में लागू हुई जुकर जी तो दसवीं आ रहा की मनता खूब थी। अच्छा दसवीं करते हैं कॉलेज में चले जाएगा। हाँ दसवीं कर दे फर्स्ट ईयर में दाखला मिल गया था। हाँ मेरी मम्मी भी बताया करते इस तो कोई जरूर कौन से उस अगले साल लागू हो गया नौकरी तो तेरा दम को लागन दिया लगो गया जी भी ये नौकरी लग गई जान दी कोर्स कर दी कोर्स में दाखला भी ले लिया था। देख ले भाई पूरा पूरी याद है मौसी का है सारी याद है। मौसी ये कह रही है पहले तो दसवीं करते कॉलेज में एडमिशन मिल जाता फिर प्लस टू पास से लागू होगी प्लस टू जरूर प्लस टू के बाद कुछ कर सका है दाखला नहीं प्लस टू तो पहले दाखला को नहीं मिला था किसी कोर्स में भी। अच्छा रियान सी करते दाखला मिल जाता किसी कोर्स में ले ले। हाँ हाँ सही कह रहे मेरे मम्मी ने भी नहीं करा था आपका टाइम में शायद। हाँ किसी दसवीं करते कोई से कोर्स में दाखला ले लो बारहवीं कोई जरूरी कौन थी बारहवीं की तो डिग्री कुछ और यहाँ आज भाई हिस्ट्री टू चल रहा है डर भी लग रहा है मस्ती भी हो रही है हमें जब डर लगता है हम रिया इसको लिनिशा को पकड़ लेते हैं लिनिशा खतरों का खिलाड़ी तो किस किस ने हिस्ट्री टू देख लिए फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। हेलो लिनिशा ये देखो ये दोनों डरपोक हैं मैं तो डरते नहीं हैं ऐसे क्या देख दिया जिस टाइम तो उस टाइम तो फोन में पड़ जाता मैं अपने फॉलोवर का हेल्प लेती हूँ ना इनके कमेंट पढ़ के माइंड डाइवर्ट करते हैं। और अब हो गया रात का सोने का टाइम लिनिशा का। हेलो कुछ बंदे तो उधर सो भी गए हैं लिनिशा के फूफू कॉन्ग्रेचुलेशन एंड सेलिब्रेशन मामा के अकाउंट के हो गए हैं पूरे 20,000 सब्सक्राइबर तो ये अपने आज 20,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। आप सबके सपोर्ट से आपका बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे ही प्यार बनाए रखना हमारे ऊपर ऐसे ही दया दिखा आपकी वो क्या बोलते हैं उसको बस आप सबकी दया है ऐसे हम आगे बढ़ते रहे। हेलो निशा थैंक यू टाटा बाय बाय गुड नाइट ऐसे ही सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को फटाफट सो के कर दो हंस गई शर्मा आ गया।